आज हम वीडियो में डबल अम्ब्रेला कट गाउन बनाएंगे और वो भी साड़ी से बनाएंगे। ये यहाँ पे साड़ी है, 5.5 मीटर की ये फुल साड़ी है, तो इसी में से हम बनाएंगे और इसमें अस्तर लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है, तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये फुल नाप में साड़ी है हमारे पास। तो इसका जो पल्लू है वो हल्का सा बनारसी टाइप में है, इस तरीके से इस पे गोल्डन प्रिंट आ रही है। तो ये पूरी साड़ी में नहीं है बनारसी प्रिंट, थोड़ी पल्लू पल्लू पे ही है। तो हम सबसे पहले इस वाली प्रिंट को अलग कर लेते हैं। इस गाउन को मैं फुल स्लीव्स में बनाऊंगी, तो इसलिए जो हम स्लीव्स बनाएंगे वो इस जो बनारसी पैटर्न है इसी में हम फुल स्लीव्स बनाएंगे। तो इसे हम एक तरफ कर देंगे। अब हम साड़ी के दूसरे वाले पार्ट को लेते हैं। प्लेन है हमारे पास, तो देखिए इस साड़ी को मैंने इस तरीके से बीच में से डबल में फोल्ड कर रखा है और ये पूरी साड़ी को मैंने इसी तरह फोल्ड कर रखा है और यहाँ पर मैंने इसकी गली बना रखी है और जो ओपन एरिया है वो इधर की साइड है और बंद एरिया मेरी साइड है जहां से हम कटिंग करेंगे। तो गाउन की नाप लगाएंगे। सबसे पहले हम चोली का पार्ट निकालेंगे, पहले तो हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब हम इसकी लेंथ लेंगे, तो चोली की लेंथ में 15 इंची की ले रही हूँ, आधा इंच में इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहां से इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर लगाएंगे, शोल्डर में यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ, 6.5 इंच की मैं आर्म होल लगा रही हूँ, इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हम चेस्ट मार्क लगाएंगे, 36 इंच के हम चेस्ट मार्क लगाएंगे, तो 36 का फोर्थ भाग होता है 9 इंच, तो ये 9 इंच हम यहाँ पर चेस्ट मार्क लगा देंगे, इसे हम सीधा कर देंगे। अब हम कमर पे मार्क लगाएंगे, तो 28 यहाँ कमर है, कमर का फोर्थ भाग हो गया 7, यहाँ पे 7 इंच पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। आधा इंच की हम लूजिंग ले लेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे, प्लस 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन ले रहे हैं, आर्म होल राउंड देंगे। अब 3.5 इंची पर हम यहाँ पर टच पॉइंट लगाएंगे जिसकी 4 इंची लंबाई रखेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट काटा है चोली का, तो इस तरीके से इसकी मार्किंग पूरी हो गई। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कटिंग अंदर की तरफ से लेंगे। अब हम नेक मार्क लगाएंगे, तो मैं इसका बॉट नेक बना रही हूँ जिसकी लेंथ रखेंगे हम 3 इंची और विड्थ रखेंगे इसके 4 इंची। चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अगर आपको थोड़ा और बड़ा गला बनाना है तो आप इसकी नाप बढ़ा सकते हैं और राउंड में राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने नेक मार्क लगा दिया है। अब जैसे जैसे हमने मार्किंग करी है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे, 1/2 इंची शोल्डर डाउन कर देंगे। ये 1/2 इंची शोल्डर डाउन कर दिया। अब 1/2 इंची हम यहां से इसे ऊपर की ओर थोड़ा सा एक मार्क लगाएंगे और इस तरीके से इसमें राउंड दे देंगे। ये हमारा चोली का फ्रंट भाग रहेगा, फिर इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फ्रंट भाग को कट कर लिया है। इसी को रख के हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। ये साड़ी वाला हिस्सा हम इस तरीके से और खिसका लेंगे और बैक पार्ट को कट कर लेंगे, सेम इसको रख लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है हमें, अगर चेंज करना है तो नेक में करेंगे। ये हमारी फ्रंट कटिंग है। बैक कटिंग में हम 1/2 इंची हम बढ़ाते हुए आर्म होल को बढ़ाते हुए कट करेंगे। नेक हम इसका नहीं कट करेंगे, नेक बाद में कट करेंगे। इस तरीके से हमने
दोनों पार्ट को कट कर लिया है। बैक में हम इसकी नेक कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि बैक साइड में हम हल्की सी इसमें डिजाइन देंगे, तो अस्तर के साथ इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारी ये चोली की कटिंग पूरी हुई। अब हम काटेंगे स्लीव्स। तो ये मैंने बॉर्डर जो निकाला था पल्लू वाला, उसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे। शायद कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें काफी अच्छा साइनिंग वाला बॉर्डर है, बनारसी टाइप का। फुल लेंथ में स्लीव्स बनाऊंगी, यहाँ पर हल्का सा बॉर्डर भी है इसमें, तो इसकी लेंथ रहेगी स्लीव्स की। ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है नीचे पलटने के लिए। 24.5 इंची की लेंथ में रखूंगी मैं इसको और इसे सीधा कर लेंगे। अब इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से निकाल देंगे, स्लीव्स की इसमें कटिंग दे देंगे 3.5 इंची पर नीचे की ओर, जहां पर ओपन एरिया है एक पॉइंट लगाएंगे। अब स्लीव शेप दे देंगे, कटिंग कर देंगे। अब मोहरी की मार्क लगाएंगे, तो मोहरी में यहाँ पे 6 इंची में ले रही हूं, और जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कट के तैयार हो गई। यहां से जो एक्स्ट्रा है ये नीचे की ओर फोल्ड हो जाएगा, इसमें अस्तर लाइन लगाएंगे हम। अब हम इसके घेरे की कटिंग करेंगे। तो डबल अम्ब्रेला बना रहे हैं इसे, तो पहले एक पार्ट निकालेंगे फिर दूसरा वाला पार्ट निकाल लेंगे। तो अभी ये साड़ी मैंने यहाँ पे डबल में है, इसे 4th लेयर में कर लेंगे हाफ करके। यहाँ पे मैंने इसको 54 इंची की लेंथ में बना रही हूँ। फुल गाउन हमारी 54 इंची की लेंथ है, जिसमें से 15 इंची हम लेस कर देंगे क्योंकि 15 इंची हमने चोली का भाग निकाल दिया है। बचा 39 इंच, तो 39 इंच की लंबाई में हम इस घेरे की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हाफ करके इसे डबल कर लेंगे। तो साड़ी को देखिए, इस तरीके से मैंने फैला लिया है और इसे बीच में से फोल्ड करके डबल में हमें बिछाया है। इसकी चारों कॉर्नर हमें नजर आ रहे हैं। अब हम इसे ट्राइंगल में कटिंग करेंगे। तो इसका एक कॉर्नर हम फोल्ड कर देंगे, कोना उठाएंगे और इस तरीके से इसे ट्राइंगल में फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से इसे मैंने ट्राइंगल में फोल्ड कर दिया है। अब हम इस पे मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर की साइड मार्क लगाएंगे, कमर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर ये 4 फोल्ड में है, यानी हम एक पार्ट ही है ये हमारा घेरे का, या तो फ्रंट लगा लो या बैक में लगा लो। अब इस तरीके से हम चोली का एक पार्ट ले लेंगे, ये हमारी चोली का एक पार्ट है, इसको भी हम इस तरीके से डबल में फोल्ड किया और एक बार 4 में फोल्ड कर दिया। अब इसको हम नाप लेंगे इसकी कितनी नाप बैठ रही है। तो देखिए, इसको 4 फोल्ड करने पर 5 इंच की नाप बैठ रही है। 4 हिस्से में इसे फोल्ड किया है हमने। अब इसे हम 5 इंच की, यहाँ पर जितना हमारा 5 इंच में भर जाता है वहां पर हम इसे मार्क लगा देंगे। अब इसे हम बराबर में भी नाप लेंगे। तो देखिये, ये 7 इंच इधर से आ रहा है और 7 ही हमारा इधर से आना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर की साइड चला रहा है, तो यहां से हम बराबर कर लेंगे। तो ये हमारी यहां से कमर कट जाएगी, यानी एक जो चोली का पार्ट है उसमें हमें ये घेरा फिट करना है। तो जितनी हमारी चोली का 4 में नाप बैठ रही है उतनी ही हमें घेरे की भी नाप लेनी है। दोनों ही 4 फोल्ड कर लिए हमने। जो हमारे घेरे की लेंथ है वो लेंथ लगाएंगे। तो देखिए, घेरे की मार्क लगाएंगे। तो 39 इंच में मुझे लगाना लेनी है इसकी लंबाई, तो यहाँ पर मेरी 39 आ रही है। अब हम टेप को इस तरीके से घुमाते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने टेप को रख के इसकी मार्क कर ली है। अब पॉइंट्स को मिला देंगे और इसका फुल सर्किल दे देंगे। इसकी सर्किल पॉइंट लगा दिया है। तो देखिए, इसमें यहाँ पर जब हम अम्ब्रेला कट करते हैं तो नीचे की साइड जॉइंट जरूर आता है, लेकिन इस साड़ी का जो पैना है बहुत बड़ा था, अच्छी बड़ी फुल पैने की थी, तो इसमें यहाँ पर जॉइंट नहीं आया है। जबकि मैंने लेंथ फुल ली है, फुल लेंथ में 54 इंच की लेंथ में गाउन है, फिर भी देखिए पूरा घेरा सेफ निकल गया है, कोई भी जॉइंट नहीं आया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी कमर की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने
घेरे का एक पार्ट काट के तैयार कर लिया है, इसे हम एक तरफ कर देते हैं। अब हमारे पास एक घेरा और निकालना है हमें, और साड़ी का एक कपड़ा हमारे पास है, इसे भी हम डबल में कर लेंगे। अब इसी तरह हमने डबल में साड़ी के दूसरे पार्ट को भी बिछा लिया है, और इसमें से भी हम दूसरा घेरा निकालेंगे। तो उसी तरह इसे भी हम ट्रायंगल में फोल्ड कर देंगे। तो इसे भी हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। दूसरे वाले को काटना इतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले फोल्ड करके और हमें जो हमने फर्स्ट वाला काटा था उसे यहाँ पर रख लेंगे। इस तरीके से ये बराबर आ गए हैं सब। तो इस तरीके से देखिए हमने डबल अम्ब्रेला कट कर लिया है। अब हम इसकी अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। अस्तर यहाँ पर हम कम लगाएंगे, यानी ए लाइन में ही अस्तर लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों घेर हमारे कट के कंप्लीट हो गए। अस्तर कटिंग करेंगे तो बाद में कर लेंगे। पहले हम चोली का अस्तर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा अस्तर है, इस पे हम चोली के पार्ट को रखेंगे, और ये फोर फोल्ड में है, यानी दोनों चोली के बैक और फ्रंट दोनों को एक साथ निकाल लेंगे। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट से कटिंग करेंगे अस्तर की। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो दोनों के अस्तर हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब इन्हें हम सिलेंगे, उस टाइम ही इसका नेक बनाएंगे, बैक नेक में हम डिजाइन डालेंगे, तो सिलते वक्त करेंगे। तो इस तरीके से इसे हम फोल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये मैंने अस्तर को भी फोर फोल्ड में कर लिया है, और लेंथ यहाँ पे मैंने 39 नाप ली है, यहाँ पर मैंने इसको 10 इंची में नापा है, डबल में 20 हो गया है। और उसको हमने जो मेन फैब्रिक था वो हमने 5 इंची में काटा था, 4 में वो 20 जा रहा था। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग करते हुए हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो अभी आपको मैं इसका घेर खोल के बता देती हूँ। अस्तर का घेर देखिए कितना घेर आया है। ये एक पार्ट तो हम आगे वाले पे लगाएंगे और दूसरा पार्ट हम नीचे वाले पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को भी हमने, ये थोड़ा नया कपड़ा है तो इसमें थोड़ी सलवटें आ रही है, प्रेस से इसे हम सीधा कर लेंगे। ये अस्तर में इतना घेर काफी रहता है। तो इस तरीके से हमारी कटिंग कम्प्लीट हुई। तो इस तरीके से हमारे गाउन की कटिंग कम्प्लीट हो गई। ये हमारा अस्तर हो गया घेरे का, ये हमारे दोनों घेरे हो गए बैक फ्रंट, ये हमारी स्लीव्स हो गई, और ये हमारे चोली के दोनों पार्ट हो गए बैक और फ्रंट। इस तरीके से मेरी ये कटिंग पूरी हुई। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए इसमें मैंने कटिंग ही बताई है आपको, इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।